बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म है कि सोलर पैनल के हवाले से मैं रोज़ आपको वीडियो देता रहता हूं, लेकिन आज इस वक्त मैं मुल्तान में सोलर पैनल के हवाले से होने वाले शो में मौजूद हूं और इस शो की पूरी कवरेज आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर, मुझे मोटी मोटी मालूम ये चाहिए कि जो X6 है और 6 है, क्या डिफरेंस है इसमें? सर जी, जो X6 है और जो 6 है, 6 पहले जो मॉडल आ रहा था वो 6 आ रहा था, अब वही मॉडल वही प्रोडक्ट X6 के नाम से आ रही है, रीब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, रीब्रांडिंग। अंदर कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, बस लॉन्जी ने एक उसको रीब्रांड किया X6 का, क्योंकि पाकिस्तान में एक वो नई चीज समझी जा रही है, इसीलिए उस पर प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। अंदर प्रोडक्ट वही है, सेम है जी। अच्छा, और हीमो 5 वर्सेस हीमो 6? हीमो 5 जो है वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, वो पी टाइप टेक्नोलॉजी है। हीमो 6 के अंदर है HPBC टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बैक कॉन्टैक्ट इसके अंदर सर्किट दिए हुए हैं, तो ये एक लेवल एडवांस। ये एक तो होगी टॉप कॉन होगी, दूसरी कंपनीज में आती है, टॉप कॉन बना रही है और वो एंड टाइप नियॉन टाइप बना रही है जिनको बना रही है। और इनका एक होता है कौन सा वाला, एक तो मोनोपर्क हाफ कट सब में है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है लॉन्जी के अंदर, ये है HPBC टेक्नोलॉजी। HPBC बिल्कुल। अभी ये यहाँ पर अभी आप आपको डिस्प्ले भी करके दिखाएंगे उसके अंदर क्या फर्क होता है, उसकी लेयर्स में क्या होता है, वो आप इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे तो आपको। और हीमो 7 की अवेलेबिलिटी, देखिये हीमो 7 पाकिस्तान में फिलहाल ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। कोई भी अगर आपको हीमो 7 दे रहा है तो वो दुबई मार्केट से लेके दे रहा है, ठीक है दुबई में। अच्छा, लॉन्जी कंपनी इसकी वारंटी नहीं दे रही हीमो 7 की। अच्छा, वारंटी क्यों नहीं दे रही? वो इसलिए नहीं दे रही कि दुबई में शॉर्टिंग होती है, ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल कंबाइन होके पाकिस्तान मार्केट में आ रहे हैं, जिसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, इसीलिए लॉन्जी कंपनी एक मिनट की भी हीमो 7 की वारंटी नहीं दे। अच्छा, उसको जब क्यू आर कोड स्कैन करते हैं जी हीमो 7 का भी जी, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी मॉड्यूल, वो जो पोर्टल है सही, उसके ऊपर सारी चीजें आती है, उसमें उसका मॉड्यूल लेवल भी डिस्क्राइब कर रही होती है, इवन आप उसका बार कोड भी एंटर करते हो उसका ऑथेंटिसिटी पोर्टल के अंदर, तो उसकी भी सारी चीजें आ रही होती है। सर वो बहुत सारी चीजें हैं, लेबलिंग भी चेंज हो जाती है, स्कैनिंग भी हो जाती है, बहुत सारी मुख्तलिफ। अब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर करेंसी नोट 2 नंबर बन रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे छोटी सी चिट और वो क्या क्या कर सकते हैं? फिर इस चीज को केटर करने के लिए इस चीज कंज्यूमर या जो दुकानदार है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास क्या हल है? देखिए, इस चीज को केटर करने के लिए लॉन्जी कंपनी ने एक ऑथोराइज फ्लैगशिप स्टोर बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के वाहिद एंड ओनली फ्लैगशिप स्टोर है जिसके पीछे लॉन्जी कंपनी बैक कर रही है। ठीक है, कि आपने अगर ओरिजिनल के पैसे दे रहे हैं, ए ग्रेड के पैसे दे रहे हैं, तो आप हमारे फ्लैगशिप स्टोर से ही परचेजिंग करें, जिसमें आपको 101% तसल्ली हो कि यू आर बाइंग द राइट प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइसेस। ठीक हो गया। अच्छा, जो नंबर ऑफ बसबाज की कहानी है जी, यार ये अक्सर कस्टमर आते हैं ना, वो बसबाज गिनना शुरू कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के मुख्तलिफ पैमाने हैं, मुख्तलिफ उसके जजमेंट के तरीके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी एडवांस हो, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्जी इज द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड इन पाकिस्तान और सबसे ज्यादा एडेप्टेबल है और लोगों को मेयार पे पूरा उतरे है लोगों के। ठीक है। अच्छा, इसकी हीमो 6 और हीमो X6 के अंदर बाइफेशियल वैरायटी भी है या सिर्फ मोनोफेशियल है? इसमें दोनों वैरायटी है, मोनोफेशियल भी है और बाइफेशियल भी है, दोनों आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया। और थोड़ा सा मोनोफेशियल, अब जैसे वो पेशावर वाले भाई डिस्कस कर रहे थे, पंजाब के हिसाब से मोनोफेशियल वर्सेस बाइफेशियल क्या फीडबैक है? देखिए, अभी वही एक EPC कंपनी वाले साहब से बात हो रही थी, उनसे यही डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि वो हर जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं और हर जगह की उनके पास मॉनिटरिंग आ रही है, तो बकौल उनके उनके हिसाब से कि यार जहाँ ज्यादा हीट होती है वहाँ मोनोफेशियल ज्यादा बेहतर वर्क करती है, उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होती,
निस्बतन बाईफेशियल, तो हम चूंकि पाकिस्तानी भेड़ चाल वाले लोग हैं कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए तो बोल दिया, बोल दिया तो हमने वही चीज लेनी है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली हमारे पास आए, हम आपको उसके प्रोडक्ट दिखाएंगे, हम आपको उसकी डिटेल्स दिखाएंगे कि आपके एरिया में मोनोफेशियल ज्यादा वर्केबल है या बाईफेशियल ज्यादा वर्केबल है। बाईफेशियल की इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस है, उसकी हाइट की प्रोसेस है, उसकी सरफेस की प्रोसेस है, वो हर चीज को देख के हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि विच प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर यू। हाँ, वो बाईफेशियल की एक लिमिटेशन है कि उसको एक तो हाइट पे करना है लाजमी फ्रॉम द ग्राउंड, और उसकी जो बैक बॉटम सरफेस को किस हद तक रिफ्लेक्टिव बनाना है, उसको रिफ्लेक्टेबल होगा तो उसकी आपको फायदा मिलेगा। अब जो फीडबैक दे रहे हैं कस्टमर के, यार ये बाईफेशियल अच्छी नहीं चल रही, ये कैसे पता चलेगा उन्होंने उन चीजों का ख्याल रखा है? उन्होंने गैप दिया है नहीं दिया, उन्होंने हाइट मेंटेन की है नहीं की, पीछे रिफ्लेक्टेबल मटेरियल लगाया नहीं लगाया, बिल्कुल कैसे पता चलेगा? देखिए, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की हुई है कि आप AEDB से रजिस्टर्ड हो, आपके पास सारी सर्टिफिकेशन हो और सेफ्टी आपके पास सारे स्टैंडर्ड आपके पूरे हो, ताकि जो आपका इंस्टॉलर है नो मैटर उसने A1 चीज ले तो ली, लेकिन अब उसने उसको सही तरह से इंस्टॉल किया या नहीं किया, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी का आइटम है इसमें आपको 100% उसका रिटर्न भी तो मिले। लगा तो लिया, मगर उसका आपने इस तरीके से लगाना है कि आपको उसको 100% आपको उसका बेनिफिट मिले। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैं सोलर की मैं बहुत बड़ा नहीं है काम, छोटा सा काम, लेकिन अगर मैं जैसे पैलेट बाइंग करनी होती है, 2-3-4 पैलेट्स लेने होते हैं, तो मुझे किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या रेट्स मिलेंगे, और थोड़ा इसकी आइडिया दे दे। देखिए, हमारी जो JNS इंटरनेशनल है, लॉन्जी के हम फ्लैगशिप स्टोर है, हमारी एक सेल्स टीम है, एक इंस्टॉलेशन टीम है। पहले आपने मुझे पिछला सवाल ये किया था कि इंस्टॉलेशन का क्या हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक इंस्टॉलेशन टीम है जो AEDB से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, उसके पास सारे लाइसेंसेस हैं, सारे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, तो अगर आपको इंस्टॉलेशन भी करवानी हो तो आप हमारी इंस्टॉलेशन टीम से रब्ता करें। आपको सेल्स में कुछ आपको कम क्वांटिटी में परचेजिंग करनी हो तो आप हमारी सेल्स टीम से रजिस्टर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कम क्वांटिटी वर्सेस ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, वो एक कंटेनर की बात तक है, कम क्वांटिटी है उसे कितनी? देखिए, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम बोलते हैं इसको, कि आप जितनी ज्यादा चीज प्रोडक्ट लेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आप जितनी कम क्वांटिटी लेंगे उसमें निस्बतन इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम हम लिमिटेड क्वांटिटी में फायदा देने की कोशिश हम कर सकते हैं कि एंड यूजर को फायदा मिले, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है, ये सिर्फ हमारे पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं, हमारे मुल्क की भी इसमें बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा, और हमारा मुल्क ग्रीन एनर्जी की तरफ एक फ्यूचर अच्छा हमारा आलूदगी से पाक और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ हम गामजन होंगे इंशाल्लाह। सर, हमारा सिंध में हम कवर, सिंध बलूचिस्तान हम कराची से कवर करते हैं, पंजाब से हमारा लाहौर वेयर हाउस और ऑफिस है जो कि पंजाब और KP के मार्केट को कवर करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वी हैव अ गुड सेल्स टीम एंड वी हैव अ गुड इंस्टॉलेशन टीम, एंड आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्टेक्ट अस, आवर लाहौर ऑफिस एंड कराची ऑफिस, सो वी कैन गिव यू द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस एंड with the best quality product. Sure, sure. Will you contact me the contact number to the Lahore office? Okay, you can contact us. आप हमारे local landline number पे contact कर सकते हैं. हमारा कराची का contact number है 0213241-7411. और हमारे लाहौर टीम से आपने contact करना है तो city code 0423-765-4567. Your good name? मेरा नाम जैन है, जैन। तो इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए हम अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे और सज्जाद भाई का आप रेफरेंस देंगे तो जो खुसूसी तौर पे डिस्काउंट और रिलीफ हो सकता है वो हमारी पूरी कोशिश होगी आपके सारे फीन को। थैंक यू। ठीक है सर, शुक्रिया।